देखिए, हम लोग कल को जो मतलब टॉपिक पढ़े थे वो था कि कोई कर्व जो है हम लोग ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड कैसे मतलब कर्व बनाते हैं, है ना। तो ये टॉपिक हम लोग कल पढ़े थे, उसका जो कुछ कुछ फॉर्मूला भी आया था वो हम लोग उसका डेरिवेशन किए थे, उसी पे अब कुछ क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है ये है कि कैलकुलेट दी ऑर्डिनेट एट 25 मीटर इंटरवल, मतलब हर 25-25 मीटर पे ऑर्डिनेट बताना। ऑर्डिनेट या ऑफसेट एक ही तरह का चीज़ हो गया ना, परपेंडिकुलर होता है वो, है ना। परपेंडिकुलर ऑफसेट को ही ऑर्डिनेट बोल सकते हैं। तो ऑर्डिनेट हर डालना है हर 25-25 मीटर में, वो ऑर्डिनेट का क्या हाइट होगा जो हम लोग कल निकाले थे वो आपको बताना है। इंटरवल टू सेट आउट, मतलब एक कर्व बनाने के लिए, कर्व को सेट आउट करने के लिए, ए सर्कुलर कर्व हैविंग ए लॉन्ग कॉर्ड ऑफ 300 मीटर, मतलब जो सर्कुलर कर्व है उसका जो ये है 300 मीटर उसका लॉन्ग कॉर्ड का लेंथ है, एंड वर्स साइन ऑफ 10 मीटर। वर्स साइन जो है, वर्स साइन किसको बोलते हैं, मिड ऑर्डिनेट को वर्स साइन भी बोलते हैं, लास्ट क्लास में बताया गया था, है ना। तो उसका मिड ऑर्डिनेट जो है या वर्स साइन जो है 10 मीटर है, और लॉन्ग कॉर्ड का लंबाई 300 मीटर है, तब हम लोग को कर्व बनाना है बाई ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड, है ना, या ऑर्डिनेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड बनाना है। उसके ऑर्डिनेट का हाइट सब बताना है कि आप हर 25-25 मीटर पे ऑर्डिनेट डालना है उसका क्या क्या लंबाई होगा, है ना। तो ये इसके ये ऐसा केस है कि इसमें लॉन्ग कॉर्ड का लंबाई दिया हुआ है, ये लॉन्ग कॉर्ड हुआ, है ना, ये लॉन्ग कॉर्ड है, इसका लंबाई दिया हुआ है ये 300 मीटर है ना, ये 300 मीटर है। और ये बताया हुआ है कि वर्स साइन जो है 10 मीटर है, वर्स साइन मतलब मिड ऑर्डिनेट, बीच वाला जो है, इसका जो मैक्सिमम हाइट जो होगा, ये कर्व ऐसे है, इसका जो मिड ऑर्डिनेट है ये जो है 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये बताया हुआ है ना। इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा ही, ठीक है, नहीं दिख रहा है, ऐसे साइड कर लेते हैं, अब दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है 10 मीटर इसका जो है मिड ऑर्डिनेट हो गया, जिसको हम लोग ओ नॉट भी बोला करते थे, ओ नॉट है ना, ओ नॉट इज इक्वल टू मैं बीच का ऑर्डिनेट है, तो ये 10 मीटर का हो गया, और ये 300 मीटर इसका ये है। तो हम लोग इससे जो है आर रेडियस निकाल सकते हैं, है ना। रेडियस दिया हुआ नहीं है लेकिन रेडियस का अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग रेडियस का वैल्यू निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से, है ना, कि बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो 300 मीटर इसका लॉन्ग कॉर्ड है, तो ये बीच वाला पॉइंट है, तो इधर 150 मीटर इधर होगा और 150 मीटर इधर भी होगा, है ना। तो इसमें जो है हम लोग ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड का मतलब कि हर कुछ कुछ दूर पे ऑफसेट डालना होता है ना, ये ना पढ़े थे लास्ट क्लास में। तो इसमें बोला है कि हर 25-25 मीटर पे डालना है, तो हम लोग यहाँ पे जो काम इधर करते हैं वही काम इधर, क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्री है ना। तो कैलकुलेशन हाफ ही का करते हैं, हाफ के लिए बोल देते हैं कि उधर भी सेम ही होगा। तो 150 मीटर इधर है, तो हर 25-25 मीटर में, मतलब 25 मीटर पे, फिर 50 मीटर पे, फिर 75 मीटर पे, फिर 100 मीटर पे, फिर 125 मीटर पे, फिर 150 यहाँ पे तो आ ही जाएगा, है ना। उतना पे हम लोग ऑर्डिनेट जो है उसका हाइट जानना है हम लोग को। तो यहाँ से 25 मीटर दूर पे कोई ये ऑर्डिनेट है ना, तो इसका हाइट क्या होगा। तो हम लोग लास्ट क्लास में ये देखे थे कि ओ एक्स सोल्यूशन कर रहे हैं, तो ओ एक्स मतलब ऑर्डिनेट का हाइट जो कि एक्स दूरी पे हो, तो इसका फॉर्मूला क्या था, रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर माइनस ओ नॉट। यहाँ पे ओ एक्स जो था वो डिस्टेंस था, यहां से एक्स यहां से डिस्टेंस था, है ना, ये एक्स हो रहा था ना, तो जो है मतलब 20 वाले जगह से एक्स की दूरी था। तो हम लोग को बताना है इंटरवल 25-25 मीटर पे, है ना। तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा पहला 25, है ना, 25 मीटर दूर पे निकालना है। तो हम लोग को इसका मतलब क्या निकालना है, ओ 25 पहले निकालना होगा, एक्स की जगह पे 25, तो रूट अंडर ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर माइनस आर माइनस ओ नॉट। ओ नॉट जो है 10 मीटर दिया हुआ है, तो ये लिख देंगे हम लोग अभी। लेकिन इसमें हमको ये समझ में आ गया कि हम लोग को 25 मीटर दूर पे निकालना था ऑर्डिनेट, तो उसमें रेडियस का जरूरत पड़ेगा, है ना। इसी तरह फिर 50 मीटर दूर पे निकालना होगा, तो एक्स की जगह पे 50 लिखेंगे, यहाँ पर ही 50 आ जाएगा, लेकिन फिर भी रेडियस का जरूरत पड़ेगा, है ना। तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है, गिवन है कि ओ नॉट इक्वल टू हो गया वो 10 मीटर दिया हुआ है, एल इक्वल टू दिया हुआ है वो है कि 300 मीटर है, ठीक है। और हम लोग को निकालना क्या क्या है कि हर 25-25 मीटर की दूरी पे, हर 25-25 मीटर की दूरी पे ऑर्डिनेट का लंबाई निकालना है। तो
हम लोग को निकालना है O25, हम लोग को निकालना है O50, हम लोग को निकालना है O75, O100, O125 एंड O150। मतलब ये आधा दूरी पे इस लेफ्ट साइड जो करते हैं फिर वही राइट साइड भी करेंगे ना, है ना। ये मान लो कि ये लेफ्ट साइड के लिए अभी हम कर रहे हैं, ये फॉर लेफ्ट हैंड साइड के लिए कर रहे हैं। तो फॉर राइट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड साइड के लिए सेम ही हो जाएगा, है ना। ये सेम चीज यही निकालना होगा, तो निकालने की जरूरत नहीं होती है, राइट हैंड साइड के लिए बोल देंगे सेम ही होगा। 300 मीटर का था तो 150 मीटर इधर, 150 मीटर इधर, है ना। 25 25 मीटर भी निकालना है। O25 मतलब 25 मीटर दूर वाला ऑर्डिनेट, O50 का मतलब यहाँ से 50 मीटर दूर वाला ऑर्डिनेट, है ना। O75 मतलब यहाँ से 75 मीटर दूर वाला ऑर्डिनेट, है ना। ये सब टर्म समझ गए होगे आप, तो ये सब निकालना है। तो पहला ही जो O25 निकालने के लिए हम लोग कोशिश किए हैं, इसमें दिख गया कि रूट अंडर आर, ये आर रह गया है ना, बाकी सब चीज़ तो नोन है, आर अननोन है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे कि ओ नॉट का जो फॉर्मूला होता है, या जो वर्स साइन ऑफ द कर्व जो रहता है उसका फॉर्मूला होता है ओ नॉट इज इक्वल टू, ये वर्स साइन था ना, वर्स साइन, तो उसका क्या फॉर्मूला था वहां पे, आर माइनस रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर, ये था ना। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिगर से भी देख सकते हो, ये जो है यहां तक मिला दो इससे तो ये भी पूरा लेंथ जो है आर ही होगा। तो इस आर में से, इस टोटल रेडियस में से इतना घटा देंगे तो ये निकल जाएगा ओ नॉट, तो ये तो टोटल आर ही है, तो आर माइनस, और ये इतना जो है ये क्या है, ये आर रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एल बाई टू, ये इतना एल बाई टू है, ये इस त्रिभुज में ये लेंथ कितना होगा, रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर, है ना। तो ये फॉर्मूला याद भी कोई बहुत करने की जरूरत नहीं है आपको, खुद तो वहीं पर दिख जाएगा कि ये चीज़ होगा, है ना। तो ओ नॉट जो कि वर्स साइन है वो होगा रूट अंडर आर माइनस रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू, ये गिवेन है, ये 10 है, 10 मीटर है, इसको हम लोग यूज करेंगे, है ना, इसको यूज करेंगे। तो इसको हम लोग आर को उधर ले जाते हैं, स्क्वायर कर देंगे, या 10 को इधर ले आएंगे तो ये आर माइनस 10 हो जाएगा और ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बॉस साइड, बॉस साइड इसको स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा आर माइनस 10 का होल स्क्वायर, आर माइनस 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, ये आर स्क्वायर माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर। ये एल, एल हमको पता है, एल का वैल्यू रख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। एल हम लोग का 30 मीटर पता है, तो एल बाई टू 15 मीटर यहाँ पर रख सकते हैं, ये हम लोग छोड़ दिए हैं लेकिन डिगल रख देंगे अभी, ठीक है। तो आर माइनस 10 का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 20r प्लस बी स्क्वायर 100, है ना, यही चीज ना। यहाँ पे ये आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर आर स्क्वायर रख देंगे, ये एल एल बाई टू कितना है, 15 है, 300 मीटर टोटल, ए सॉरी 150 है, एल जो है 300 मीटर है, तो 300 बटा 2 जो है वो हो जाएगा 150, तो 150 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचा है -20r, -20r प्लस 100 और ये 150 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, माइनस में है 225 100, है ना, 15 का होल स्क्वायर, तो 22 500, है ना, ये होगा, ठीक है। हाँ ये हो गया। अब जो है इसको जो है ये इसको ये 100 को जो है हम लोग उधर ले जाते हैं और ये -20r को इधर ही रहने देते हैं, तो -20r इक्वल टू, उधर से 100 जाएगा तो 100 बढ़ जाएगा उधर, है ना, ये -22500 माइनस ये 100, तो ये -20r इक्वल टू हो जाएगा -22 और ये 600 हो जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो r इक्वल टू आ जाएगा कितना बटा 20, 22 600 बाई 20, तो कितना आएगा आंसर, 113, इसमें 600 था ना, 1320 होगा, है ना, ये 22600 था ना, ये 020 था, एक जीरो कटेगा तो 1130, है ना, ये आया 1130 मीटर, है ना, ठीक है, सब लोग यही आया होगा। तो r इक्वल टू हो जाएगा 1130 मीटर। बहुत सारा टाइम लिखने में कुछ ये हो जाता है तो आप लोग ध्यान देते रहोगे, ये सब छोटा मोटा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा तो आगे सारा गड़बड़ होता चला जाएगा, है ना, 600 ये 20 से 20 कटा, हाँ ठीक है।
तो 1130 मीटर ये रेडियस आ गया। अब हम लोग का जैसे ही रेडियस निकल गया इस ये चीज करने पे, अब हम लोग ये सारा जो अननोन है जो क्वेश्चन पूछा है वो सब निकल सकता है। तो O25 = हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था, रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, यही था ना। तो आर स्क्वायर की जगह पर वैल्यू रख सकते हैं, आर की जगह पर 1130, 1130 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आर माइनस ओ नॉट, आर है 1130 माइनस ओ नॉट जो है हम लोग का 10 मीटर है, तो ये वैल्यू बताइए कितना हो रहा है। ग्यारह सौ तीस का होल स्क्वायर इसको इतना माइनस 25 का होल स्क्वायर इसको टू इतना, रूट ऑफ द आंसर इसको टू इतना हो जाएगा 1129, और इसमें से भी माइनस होगा 1120, माइनस 1120, तो ये आ जाएगा आपका 9.72, है ना, ये आया सब लोगों का 9.72 मीटर आ गया। ठीक है, उसी तरह फिर हम लोग सिमिलरली जो है O50 भी निकालेंगे। O50 मतलब 50 मीटर दूर पे जो ऑर्डिनेट होगा उसका क्या फॉर्मूला होता है, ये क्या वैल्यू होगा। तो फॉर्मूला वही है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर की जगह पर 1130 आया है, 1130 का होल स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे 50 का स्क्वायर माइनस, फिर ये चीज़ तो सेम ही रह जाएगा, ये आर माइनस ओ नॉट है तो आर तो वही है, ओ नॉट है ये 10। ठीक है, अब ये वैल्यू बताइए कितना आया, 8.89 मीटर। इसी तरह आप लोग सारा निकालते रहिए, अब तो बताने की जरूरत नहीं है। फिर उसी तरह O75 निकलेगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 1130 का होल स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर माइनस, फिर एक्स की जगह पर 75, है ना, 75 मीटर दूर पे निकालना है, 75 का स्क्वायर माइनस आर माइनस ओ नॉट 1130 माइनस 10, तो ये वैल्यू बताइए कितना आया। फिर इसी तरह O100 निकले 7.51, वेरी गुड, और O100 निकालना है तो रूट अंडर 1130 का होल स्क्वायर माइनस 100 का होल स्क्वायर, एक्स की जगह पर 100 बस रख रहे हैं, माइनस 1130 माइनस 10, ये कितना आया ये भी निकाल के बताइए, फिर 125.56, फिर और 125 निकलेगा तो वो जाएगा आर स्क्वायर मतलब 1130 का होल स्क्वायर माइनस 125 का होल स्क्वायर, सॉरी हाँ 125 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर माइनस ओ नॉट 1130 माइनस 10 इक्वल टू हो जाएगा कितना आएगा वैल्यू बताइए, 3.06 मीटर। फिर O150 भी निकालते हैं, है ना, तो वो आएगा O150 के कितना आना चाहिए, O150 जल्दी से बताइए, तो कोई एक आदमी जीरो आना चाहिए ना, क्योंकि 150 मीटर दूर पे कोई ऑर्डिनेट नहीं होगा, वहाँ पे तो कर्व का इंड है, तो जीरो आना चाहिए वैल्यू, ये चेक है। 1130 का होल स्क्वायर माइनस 150 का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ओ नॉट मतलब 1130 माइनस ओ नॉट मतलब 10, ये देखिए कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, आ गया जीरो आ गया, तो ये आपका हेंस चेक्ड हो गया, है ना, हेंस ये चेक हो आपका, जो ऊपर किए हो इसका मतलब ठीक जा रहा था, क्योंकि 150 मीटर की दूरी पे यहाँ पे, यहाँ से 150 मीटर की दूरी पे जो है कोई ऑर्डिनेट नहीं है ना, यहाँ पे ऑर्डिनेट खत्म हो रहा है, ऑर्डिनेट का अगर हाइट कुछ होगा तो वो जीरो होगा, है ना, तो ये चेक है, ये चीज समझ रहे हो ना, यहाँ पे ओ नॉट है। इस तरह से जो है आपको पूरा अच्छा से फिगर बना सकते हो, एक बड़ा ऐसा कर्व बनाओ, है ना, ये लिख सकते हो कि यही सिमिलरली सिमिलरली वैल्यूज सिमिलरली इन राइट हैंड इन आरएचएस, है ना, वही सेम चीज हो जाएगा, इन आरएचएस साइड वैल्यूज आर सेम, है ना, ऐसा करके लिख सकते हो, वैल्यूज आर सेम सेम, तो ये चीज हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा, तो आप कर्व बलम बना के दिखा सकते हो कि कोई कर्व जो है लॉन्ग इसका ऐसा है, मिड ऑर्डिनेट 10 मीटर है ना, यहाँ से फिर 25 मीटर मतलब पे दूर पे ये 9 पॉइंट इतना है, यहाँ से फिर ये 25 मीटर का दूरी हो गया, ये पे फिर 50 मीटर की दूरी पे इतना है ना, ये 50 हो गया, यहाँ से फिर 75 मीटर की दूरी पे ये इतना है, ये फिर ये 75 है, फिर ये 100 होगा, 100 पे फिर इतना है, फिर 125 पे इतना है ना, फिर जो है 150 पे कुछ नहीं है, इतना मतलब जीरो है, फिर इसी तरह इस साइड भी ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, फिर ये राइट हैंड साइड में कर्व, राइट हैंड साइड जो कर्व है यहाँ पे ये जीरो है, इधर भी 25 मीटर पे वही 9 मीटर होगा, इधर भी यहाँ पे
50 मीटर पे होगा ये, 25, 50, 75, इसको लिख ही देते हैं, 100, 125, और इधर ये 150 है ना, यहाँ पे कुछ होगा, फिर यहाँ पे कुछ वैल्यू आया, यहाँ पे कुछ वैल्यू, जो वैल्यू आया वो वैल्यू लिख भी सकते हो, इसको मिलाओगे तो एकदम बहुत बढ़िया कर्व जो है आपका ये बन जाएगा, है ना। तो इस तरह फील्ड में भी यही काम होता है, ये सारा कैलकुलेशन होता है। पहले यहाँ पे इतना मीटर जो वो नोट दिया है, इतना मीटर दूर पे यहाँ पे एक पेज गाड़ दिया जाता है ना, पेज खूटा कर दिया जाता है, फिर यहाँ पे 25 मीटर दूर पे चेन के थ्रू आएंगे, और यहाँ से इतना मीटर दूर पे एक खूटा, यहाँ पे एक खूटा, यहाँ पे एक खूटा, यहाँ पे खूटा, यहाँ पे, यही सिमिलरली इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, तो ये कर्व जो है इसके अलोंग ऐसे हाईवे बन जाता है हम लोग का, है ना। तो ये चीज़ इतना आसान नहीं होता जितना बोला जाता है, ये सब करने के बाद वो बनता है, इसीलिए दिखता है कि एकदम बहुत, मतलब ऐसा ही थोड़ा भी एकदम टेढ़ा मेरा नहीं होता है, एकदम सीधा बना हुआ होता है, रेलवे का कर्व देखोगे या ये सब का, एकदम सीधा बना हुआ था, इतना कैलकुलेशन करने के बाद तब बनता है। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा ये बात, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, इसमें कुछ कुछ चीज और आप निकाल सकते हो, जैसे कि चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व, ये भी निकाल सकते थे, पॉइंट ऑफ कर्व, चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये तब निकाला जाता है ना जब पूछा जाता है कि कर्व का सारा इंफॉर्मेशन बताइए, कर्व आपको सेट आउट करना है इस मेथड से, और आप कर्व का सारा इंफॉर्मेशन बताइए, तब ये सब भी चीज़ निकालना होगा। लेकिन इसको निकालने के लिए आपको फाई का जरूरत पड़ेगा, डिफ्लेक्शन एंगल का, जो इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है ना, इसीलिए इस क्वेश्चन में ये सब चीज़ पूछा भी नहीं हुआ है कि कर्व का सारा डिटेल बताइए, है ना। बस जो उतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था उतना ही बात पूछा भी है, इन्फॉर्मेशन एल और आई ये दिया हुआ था, और ओ नॉट ऑर्डिनेट सिर्फ पूछे हुआ था। ठीक है, ये आपका 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इजी चीज है ना, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन समझिए कि आएगा ही, हर एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन आता है, ये आपको बनाना होगा। दो मेथड है, एक ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड, एक आगे में आपको पढ़ना है रैंकिंस मेथड, तो वो इसी दो मेथड से वो एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, एक क्वेश्चन बनाना होगा कर्व में, है ना। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक, तो वो वही टॉपिक होगा रैंकिंस मेथड, इससे एक दो क्वेश्चन बन जाए उसके बाद फिर वो स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है क्या, आवाज नहीं आ रही है मुझे। ठीक है, देखिए ये एक क्वेश्चन है कि टू रोड्स हैविंग ए डेविएशन ऑफ 52.30 मिनट, है ना, मतलब ये डिफ्लेक्शन एंगल दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है ना, आर टू बी ज्वाइंड ज्वाइंड बाई ए सिंपल 8 डिग्री कर्व, 8 डिग्री कर्व, डिग्री दिया हुआ है तो रेडियस निकल जाएगा, है ना, कितना होता है रेडियस इक्वल टू डिग्री के टर्म में, 1719/d, है ना, तो रेडियस निकल जाएगा डिग्री दिया हुआ है, तो डिफ्लेक्शन एंगल दिया हुआ है, रेडियस निकल गया। अब पूछ रहा है कि चेनेज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट इज इतना, इंटरसेक्शन पॉइंट का जो चेनेज है वो दिया हुआ है, जो पहले क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, इंटरसेक्शन पॉइंट का चेनेज दिया हुआ था, है ना। कैलकुलेट नेसेसरी डाटा, कैलकुलेट नेसेसरी डाटा में सारा डाटा निकालिए आप, तो आपको क्या करना होगा, टेंजेंट लेंथ निकालना होगा, आपको चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व निकालना होगा, फिर लेंथ ऑफ कर्व निकाल के उसको जोड़ दीजिए तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का चेंज हो जाएगा। तो ये सब सारा इन्फॉर्मेशन जो पहले वाले पहले बनाए थे क्वेश्चन, उस वो सब निकालना ही होगा। तो उसके बाद पूछ रहा है एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ टू सेट आउट द कर्व बाई चेन एंड ऑफसेट्स ओनली, आपके पास सिर्फ चेन है और ऑफसेट डालने का इंस्ट्रूमेंट है, तो उस मेथड से आप उस कर्व को कैसे बनाइएगा, है ना। तो इसका मतलब ये ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड के मेथड से पूछ रहा है कि आप बताइए कि कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले कर्व का सारा इन्फॉर्मेशन आप निकालिएगा, है ना, दोनों पॉइंट का चेनेज, अपेक्स लेंथ, है ना, ये सब निकालिएगा आप, कर्व कॉर्ड लेंथ, ये सब निकालिएगा। उसके बाद आप बताइएगा कि इसको हम ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड से बनाएंगे, और इसमें हम इंटरवल इतने इतने मीटर पर इंटरवल पर हम ऑर्डिनेट बनाएंगे, और ऐसा करके ये हमारा कर्व बन जाएगा, है ना, ये चीज़ इसमें बताना होगा, करना होगा। इसमें कुछ थोड़ा और इन्फॉर्मेशन ऐड हो गया है ना, और कुछ इन्फॉर्मेशन बढ़ाया भी हुआ है, फाई दिया हुआ है, डिग्री ऑफ कर्व दिया हुआ है, तो बनेगा वो भी वैसे ही, है ना, डिग्री दिया दिया तो रेडियस पता चल जाएगा, फाई दिया हुआ है तो आपको टेंजेंट लेंथ निकल जाएगा, है ना, तो इससे और अदर इन्फॉर्मेशन आप निकलता हुआ चला जाएगा। बाकी करना हो इसमें भी वही है, सारे ऑर्डिनेट निकालने होंगे कुछ कुछ इंटरवल पे, लेकिन इस क्वेश्चन में कितने मीटर पे इंटरवल लेना है ये नहीं बताया हुआ है ना,
इस क्वेश्चन में कितने मीटर पे इंटरवल नहीं लेना लेना है ये नहीं बताया हुआ है, तो ये आपको अपने खुद के बुद्धि से इस्तेमाल करना होगा कि कॉर्ड लेंथ कितना आया है। जैसे वहां पे 300 मीटर कॉर्ड लेंथ था इस पिछले वाले क्वेश्चन में, तो आधा आधा उसका 150 हो गया, तो उसने बोला ही कि 25-25 मीटर पे लीजिए, तो वो ठीक था। कुछ कुछ वैसा थोड़ी कि हर एक कुछ कुछ एक एक मीटर पे डालोगे, वैसे ही 20 मीटर 30 मीटर पे ही लिया जाता है ना। तो आपको जो है कॉर्ड लेंथ जितना आएगा उसके हिसाब से अपने हिसाब से आप ऐसा रखो कि इंटरवल ऐसा रखो कि 5-6 ऑर्डिनेट आपको देने पड़े, है ना। और उसी में आपको क्वेश्चन भी हल्का हो जाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऑर्डिनेट का बनाओगे तो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल भी लंबा हो जाएगा, है ना, ज़्यादा कैलकुलेशन करना होगा। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए, तो ये क्वेश्चन अभी बनाइए, हम यहीं पे बैठे हैं, दिक्कत होगा बताइए, है ना। इसका फोटो बोलोगे तो अभी खींच के भेज रहे हैं क्लासरूम पे, आप इसका बना के आंसर बताइए, ठीक है। कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं मोटे में सॉल्यूशन में, कि इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइव जो है वो 52.30 मिनट है, डिग्री दिया हुआ है, डिग्री 8 डिग्री है, तो इससे रेडियस निकल जाएगा, आर निकल जाएगा। फिर जो है चेनेज ऑफ इंटरसेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन इक्वल टू है 7820 मीटर, ये है, तो बाकी सारा चीज़ निकालना है, बस इतना ही दिया हुआ है। डिग्री दिया हुआ है जैसे आर निकल जाएगा, है ना, आर निकल जाएगा और फाइव पता ही है, तो आपका सारा कॉर्ड लेंथ सब निकल जाएगा, मिड और नियर सब निकल जाएगा, है ना। तो ये चीज़ तीनों चीज़ नोट कर लीजिए, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। और इस क्वेश्चन को बना के अभी कुछ टाइम बचा हुआ है, इसमें आप बताइए, हम यहीं पे ऑनलाइन है ना, 10 मिनट में बताइए आप सारा। ये तीन इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिए, अभी क्लासरूम पे भी ऐसे भेज देते हैं।